Yeah.
दिखाया
कि जैसे देखा वैसे ही भस्म हो रहा है आप। आइए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा करुणा जी, सुनिए। आपने या सभी विद्वान विराजमान हैं, और एक छोटा सा मैंने गीत गाया कि भगवान भोले के भस्म कहां से सुनूंगी। हाँ, तो आपके पास कुछ नहीं है मामू। ओहो, आपने तो ये समझ लिया मैंने बहुत बढ़िया कुछ कह दिया। एक भक्त की भस्म लगाई। जिस भक्त की आप भस्म बता रही हैं वो तो मैं उसमें लगा करके जा रहा हूँ, आप सुन के आ रही हूँ। हाँ, आप क्या सुन रही हैं उसमें? मैंने जो गाया था उसमें भी मैंने पहले ही बता दिया है कि तीन जगह मैंने दिखाया कि भोले ने इसलिए भस्में लगाई। लेकिन आप क्या भस्म लेकर के आए बताओ? पत्नी को पत्नी जल गई, पत्नी की पति ने भस्म लगा ली। हाँ, ये है तुकबंदियां। क्योंकि पहले अपनी भाषा से भी सुधारिए। ओह,
शादी सही नहीं है तुम्हारी, तो टोपी लगा के आ गए क्या ये गुड़िया हरा है? तभी तो कहते हैं बंडा हमेशा सोच समझ के लगाने देंगे। वही हमारे सम्मान सम्मानी हमारे जो महान कलाकार हैं, बार बार मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ, जो हमारे इन्हीं के सिखाए हुए और आज उनके कर्मों द्वारा सम्मानी हमारे बसंत पंडित जी के द्वारा ये बहुल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हाथ हाथ वंदन है, अभिनंदन है। राजू भैया, राजू भैया, हर एक चीज का अंत नहीं हो सकता है। सुनिए बेटे, हर एक चीज का अंत नहीं हो सकता है। एक हुआ कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो सकता है। गाने को तो बहुत कलाकार गाते धुते हैं, तुम्हारा बोला गाने को तो बहुत कलाकार गाते धुते हैं, लेकिन हर एक गायक पतझड़ बसंत नहीं हो सकता है। Yeah! सुनो भगवान, भगवान का नाम है, धूम्रलोचन नाम है लोक का।
भस्म किया वो भी नेत्रों से, क्यों? यूं ही खुलने की